महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस की रश्मि बर्वे रामटेक लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और बर्वे का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे और अब शिंदे गुट में शामिल हुए राजू पारवे से होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ में वोटिंग होगी। रश्मि बर्वे जी आज अपना नामांकन दर्ज करने जा रही है लोकसभा के लिए, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ने वाले हैं। क्या बताओगे दिन, क्या बताना चाहोगे आप जनता? माझा गोर गरीब जनतेच्या मनापासून आभार मानेन। आज महाविकास आघाडीने एक अनुसूचित समाजाच्या तळागाळातील एक महिलेला इतकी मोठी जबाबदारी आणि इतकी मोठी संधी दिली, त्यासाठी महाविकास आघाडीचे मनापासून आभार मानेल। आणि आज माझ्या जनतेला एकच माझ्याकडून एक आव्हान राहील, आपल्या या लेकीचा एक साथ देण्यासाठी माझ्या गोर गरीब सर्व माझ्या नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्व माझ्या नागरिकांचा आशीर्वाद आपल्या या लेकीवर, आपल्या या लहान बहिणीवर राहू द्या, इतकं आज सांगेन। आपका मुकाबला सीधे राजू पारवे इनसे, वो भी कांग्रेस के रह चुके हैं, अभी वो शिंदे गुट में गए हैं, क्या बताना चाहोगे जन? माझा मुकाबला हा कोणाच्या विरोधात नाही, हा महाविकास आघाडी सोबत भारतीय जनता पार्टी अशा पद्धतीने हा राहील आणि महाविकास आघाडीचा यामध्ये विजय होईल। तो हमने देखा कि किसी सिक्के साथ मुकाबला नहीं है, जनता के लिए काम करना है। सर रश्मि बर्वे इन्होंने बताया नागपुर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो है चुनाव की मतदान प्रक्रिया जो है पार पड़ने वाली है और आज जो है नामांकन दर्ज करने की आखिरी तारीख है और आज रामटेक विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से रश्मि बर्वे ये अपने नामांकन दर्ज करने वाले हैं। हमारे साथ जो है यहाँ इंडिया आघाड़ी के सभी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि कैसे, क्या बताना चाहोगे जनता को, आज नामांकन दर्ज होने वाला है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं सुनील बाबू केदार जी, इनके तरफ से भर भक्कम जनता का तुम प्रतिसाद देख रहे हो। गांव गांव से सरपंच से लेके तो जिला परिषद के मेंबर तक और पंचायत समिति के मेंबर तक सब जन समुदाय यहाँ खड़ा है। सुनील बाबू हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है पूरा उत्साह हमें जो है दिखाई दे रहा है, नामांकन कुछ ही देर में जो है दर्ज हो जाएगा। सुनील केदार इनसे जानते हैं कि क्या बताओगे, किस तरह का रणनीति बनाई गई है और क्या बताना चाहोगे जनता को? अभी आपके आगे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सिक्का उत्तम कापसे जी ने आपको जो बताया वही चीज महत्व का है। इस देश में, इस राज्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और इस देश को आजादी के बाद मिली हुई अपनी उसमें लोकशाही जिसको अपन डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आज लड़ाई है और लड़ाई में आम आदमी जीतता है। जिस तरीके से देश की आज़ादी के टाइम आम आदमी जीता था, वैसा इस देश की डेमोक्रेसी जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए आम आदमी लड़ने वाला है, जीतने वाला है। जिस तरह से आपने बताया कि आम आदमी के लिए जो है डेमोक्रेसी जिंदा रखने के लिए लड़ने वाले हो, लेकिन राजू पारवे जो कांग्रेस के थे वो प्रत्याशी रहने वाले हैं रामटेक लोकसभा से, तो क्या बताओगे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव जी की शिवसेना इस महाराष्ट्र में लोगों के लिए लड़ रही है, लोगों के आजादी के लिए लड़ रही है, लोगों के विचारों के लिए लड़ रही है, गरीबी के लिए लड़ रहे हैं और बेरोजगारी के लिए लड़ ले रहे हैं। हम सबको मालूम है, वो चाहे मीडिया हो या ऑफिसर हो, आज दहशत में जीते हैं, वो दोनों को भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए और दहशती का वातावरण खत्म करके इस देश में फिर से हमने डेमोक्रेसी लाना चाहिए और इसके लिए हमें आप सब जाएंगे। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, पर जो विचारधारा के साथ लोग थे वही आखिर में टिकते और जीतते हैं। कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, लेकिन जो विचारधारा के साथ टिकते हैं वही लोग आगे जाएंगे और डेमोक्रेसी के लिए लड़ना है, ऐसी बात सुनील केदार इन्होंने कही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।